गुड इवनिंग। आज एक और वीडियो बनाते हैं जो है हमारा सिविल केस, जो कि पार्टीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक है। अब पार्टीशन और एडमिनिस्ट्रेशन का ये केस जो है, जिसमें मैं आपको इसका टाइटल दिखा देता हूँ कि सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टीशन एंड परमानेंट इंजेक्शन, के ये केस दाखिल किया जा रहा है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के एक इस पर अमल करवाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जाए कोर्ट की तरफ से, पार्टीशन इसमें विरासत की जाए और परमानेंट इंजेक्शन केस को रोक दिया जाए। आप किस मामलात में, कौन से मामलात में इस तरह के केस दाखिल किए जाते हैं, तो ये हम शुरू करते हैं वीडियो से और बात करते हैं केस पर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप ये देख सकते हैं, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज एट कराची ईस्ट, ये केस कराची ईस्ट कोर्ट का है जो कि सिविल से मुतलिक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मसमात शाहिदा बेगम, बाकी जो इनकी डिटेल वगैरह है वो मैंने कवर कर दी है, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है तो इस वजह से मैं उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता। ये आप देख सकते हैं कि मसमात शाहिदा बेगम ये प्लेंटिफ है, और ये इनकी एड्रेस आप मलिर भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर ये डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट एक, उसके बाद डिफेंडेंट नंबर दो जो के डिफेंडेंट है। जिस अब ये कवर अप करने का मेरा मकसद है कि मैं किसी की प्राइवेसी को आउट नहीं करना चाहता या फिर स्क्रीन पर नहीं लाना चाहता। तो बहरहाल जो मकसद है वीडियो बनाने का वो आप समझ जाएंगे, और इस वीडियो को देखकर आप अपना सिविल केस खुद तैयार भी कर सकते हैं या फिर रابطہ भी कर सकते हैं मुझसे। और ये मेरे, इसमें आप देख सकते हैं कि नाम वगैरह दिया गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह दिया गया है, और ये प्रैक्टिसिंग एरियाज आप देख सकते हैं मेरे। बहरहाल तो आ जाते हैं सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टीशन एंड परमानेंट इंजेक्शन। अब जो केस है उसको जो विरासत करवानी है उसमें इंजेक्शन भी लेनी है, परमानेंट इंजेक्शन मतलब स्टे ऑर्डर भी लेना है, तो उसके लिए तरीक़ेकार है। द प्लेंटिफ अबो नेम्ड मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। अब जो प्लेंटिफ है वो क्या दरख्वास्त कर रहा है या बता रहा है, उसका क्लास नंबर 1, पैरा नंबर 1 या पैराग्राफ नंबर 1, जो भी आप कहना चाहें, इसका शुरू होता है दैट द प्लेंटिफ इज ओल्ड एज अबाउट 50 ईयर्स अबोव एंड सीनियर सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर सिटीजन ने अपना तारुफ करवाया है कि उनकी उम्र 50 साल है और पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन हैं। तो उसके बाद फिर क्लास 2 की तरफ चलते हैं। तो पेज नंबर 2 पर आप देख सकते हैं के डेट द प्लेंटिफ इज डाटर ऑफ द डिसीज्ड मिस्टर नवाब खान एंड द डिफेंडेंट्स आर द विडोज ऑफ द अदर लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड। मतलब ये एक घरेलू तनाज़ा है जिसमें एक औरत चाहती है कि उसका जो हिस्सा बनता है, ड्यू शेयर बनता है प्रॉपर्टी में, उसको वो दिया जाए, जिसके लिए उसने ये सिविल केस दाखिल किया हुआ है। तो चलते हैं पैरा नंबर 3 पर या फिर क्लास, के डेट द डिसीज्ड नवाब खान ऑलरेडी हैज़ बीन एक्सपायर्ड अबाउट 30 ईयर्स बैक एंड लीविंग बिहाइंड द फॉलोइंग सर्वाइविंग लीगल हेयर्स। अब जो डिसीज्ड जिनकी प्रॉपर्टी थी वो 30 साल पहले मर चुके हैं, वफात पा चुके हैं, और ये उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनकी यहाँ पर डिटेल दी गई है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लीगल हेयर, उनका रिलेशन मतलब उनसे ताल्लुक़ क्या है डिसीज से। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कार्ड अपने रख के, विजिटिंग कार्ड रख के कवर किया है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है, और चूँकि प्राइवेसी स्क्रीन पर मैं नहीं ला सकता ये केस, तो मैं आपको बनाना, फाइल करना, दाखिल करना मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकता। बहरहाल तो ये आप देख सकते हैं कि इनका रिश्ते में जो भी है मसमात एट्सेट्रा, ये उनके डॉटर, सन वगैरह, ये जितने भी हैं लीगल हेयर्स, हमने इनका जिक्र करना है। यहाँ पर ये 5 टोटल इनके फैमिली मेम्बर्स, फिर उनमें से जो बच्चे हैं, सन, डॉटर वगैरह, उनका भी जिक्र किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई विरासत हो, तो आपने उसमें जो भी लीगल हेयर्स हैं
उनका आपने इसमें जिक्र करना है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये कोर्ट में एक जुर्म साबित होगा आपके खिलाफ कि आपने जो लीगल हेयर्स हैं उनको क्लियर कट जाहिर नहीं किया। तो चलते हैं पेज नंबर 3 की जानिब। पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी पैरा नंबर 4 के बताया गया है कि डिसीज्ड फादर ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है मलीर में, जिससे इसको जैसे इनकी जो प्लेंटिफ है जिसने केस दाखिल किया है उसको ड्यू शेयर नहीं दिया जा रहा। उसके बाद फिर ये कह रही हैं कि उनका अपने जो प्रॉपर्टी से इनके जो हिस्सा है उनको वो भी नहीं दिया जा रहा, और शुरू से लेकर उनसे उनके साथ रवैया सही नहीं है और उनको डिप्राइव्ड किया गया है, उनको एक पेनी तक मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया गया लीगल हेयर, हालांकि वो इनकी बनती हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनकी डिफेंडेंट की पोजीशन में है। उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी है वो भी एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मतलब विरासत में आती है, तो विरासत प्रॉपर्टी में जो भी प्रॉपर्टी विरासत में आती है उसका मुकम्मल एक हिस्सा दिया जाएगा जो कि उनके वारसान वर्सा है। दैट इट हैज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ दैट द डिफेंडेंट्स आर ट्राइंग टू, अब वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसका पैरा नंबर 8 में बताया गया है। आपने अगर सिविल केस बनाना है तो उसमें सारी डिटेल आपने बतानी है कि क्या कैसे मतलब प्रॉपर्टी की डिटेल जो भी है आपने उसमें दाखिल करना चाहते हैं, आप वो मुकम्मल डिटेल डिस्कस करें या बताएं ताकि कोर्ट को फिर बाद में मुश्किल ना हो केस डिसाइड करने में। तो चलते हैं कि पेज नंबर 5 पर, कि इसमें बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और फिर 9 में बताया गया है कि इनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, और उसके बाद फिर ये बताते हैं कि 12/5/2020 को इन्होंने अपने काउंसिल मतलब वकील के मैंने इनके जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको लीगल नोटिस भेजा था, जो कि लीगल नोटिस की कॉपी भी इसके साथ अनेक्सर ए एंड बी कही है बी की गई है। तो मैंने इनको 2 मरतबा एक लीगल नोटिस एक भेजा, फिर दोबारा से लीगल नोटिस भेजा था। फिर इनको जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक उनको पता चला है कि वो बेचना चाहते हैं, और फिर उन्होंने डिफेंडेंट से रब्ता करने की कोशिश की कि इसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका विरासत में हिस्सा बनता है तो इसको भी हिस्सा दे के फिर बेच दिया जाए या कुछ इस तरह से, लेकिन उन्होंने कोई इसका हल नहीं निकाला। तो नेक्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं कि पैरा नंबर 13 में लिखा गया है कि काज ऑफ एक्शन कब हुआ, जब 1990 में जो इनके फादर हैं उनकी एक्सपायरी हो गई, उसके बाद फिर इनको हिस्सा नहीं दिया गया, डिस्पोजेस किया गया, मुख्तलिफ तरह की बातें की गई हैं। उसके बाद फिर पैरा नंबर 4 पर बताया जाता है कि ये कौन सी जुरिस्डिक्शन का केस बनता है। हमेशा ये बात यहाँ आपको याद रखनी पड़ेगी कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का कैसे पता करना है, ये फिर हमें पता चलेगा जो हमारी कंसर्न कोर्ट होगी। जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सदर से परेडी थाना लगता है, तो फिर परेडी थाना जिस कोर्ट में होगा उसी कोर्ट में फिर ये सिविल केस दाखिल किया जाएगा, एक वो जहाँ जो इसकी हद है जुरिस्डिक्शन। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट है, तो बहरहाल उसके बाद फिर कोर्ट फीस भी इसके साथ लगाई गई है, प्लेन के साथ कोर्ट फीस भी इसको साथ अटैच की गई है। अब मैं आपको कोर्ट फीस का एंड में बताता हूँ वीडियो के कोर्ट फीस कितनी पे की जाती है और कैसे पे की जाती है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि प्रेयर में कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उसका मुकम्मल बंटवारा किया जाए, पार्टीशन किया जाए, और अगर वो नहीं भी है तो प्रॉपर्टी को सही तरीके से बेच दिया जाए मुकम्मल, और जो डिक्लेयर्ड है मुस्लिम लॉ के तहत शरीयत के तहत चूँकि ये मुसलमान है तो इनका जो हिस्सा बनता है वो इनको दिया जाए, और परमानेंट इंजेक्शन दिया जाए मतलब इनको रोका जाए कि ये किसी भी किस्म की सेल नहीं कर सकें, प्रॉपर्टी को बेचना या फिर किराए पर देना या इस तरह के कोई भी मामला ना कर सकें। चूँकि हर केस की अपनी प्रेयर होती है तो ये तो जस्ट एक सिंपल आप इसको देख सकते हैं कि प्रेयर कैसे बनाई गई है। आप वीडियो को पॉज करके
और फिर पूरी प्रेयर आप पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल आपका जो भी मुकदमा होगा उसकी प्रेयर तो एक मुख्तलिफ होगी। उसके बाद फिर इसमें कॉस्ट ऑफ द सूट भी मांगा क्या है, जो कि खर्चा आ रहा है केस दाखिल करने पर या खर्चा हुआ है, और उसके अलावा कोई भी किस्म का रिलीफ अगर कोर्ट देना चाहे तो वो दे सकती है। फिर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं कि आई सो एंड सो अली एट्सेट्रा मुस्लिम एडल्ट, इन्होंने फिर अपनी रिहाइश बताई है, एड्रेस के से द सेम आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव के मैं वेरीफाई करती हूँ। जो प्लेंटिफ है केस दाखिल करना चाहती हैं वो अपना एक बताती हैं कि ये सब कुछ ट्रू मतलब सच और इनकी नॉलेज इनके इल्म के मुताबिक बनाया गया है केस। ये आप देख सकते हैं जो लीगल नोटिस मैंने इनको भेजा था उसकी रिसिप्ट, लीगल नोटिस रिसिप्ट ये इसके साथ एनेक्चर की जाएगी। लीगल नोटिस वन की रिसिप्ट, उसके बाद फिर दूसरे की, ये दूसरे की रिसिप्ट आ गई। तो दोनों लीगल नोटिस जो हमने सेंड किए हैं उनकी रिसिप्ट कुरियर रिसिप्ट हमने इसके साथ एनेक्चर करनी है। फिर ये इसके साथ मैंने एक एप्लीकेशन अंडर आर्डर 11 रूल 14 रेड विथ सेक्शन 151 CPC लगाई है, जिसमें जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो प्लेंटिफ हैं उनको उनके जो फादर हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दी गई जो कि कस्टडी में है डिफेंडेंट्स की रेस्पोंडेंट्स की, तो उन्होंने ये नहीं दी जिस वजह से मुझे ये एप्लीकेशन लगानी पड़ी। अगर कोई इसमें मैंने एग्जेम्पशन कोर्ट से मांगी है कि मुझे एग्जेम्प्ट किया जाए कि कोई डॉक्यूमेंट अगर मैंने नहीं लगाया तो उसके लिए एग्जेम्प्ट किया जाए या फिर जो डिफेंडेंट्स हैं उनसे वो मंगवाई जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैंने इसके साथ लगाई हुई है। तो ये था हमारा केस बनाना और दाखिल करना, और ये था कि मैंने आपको बता दिया कि केस कैसे दाखिल करना है या फिर बनाना है प्रिपेयर करना है। बहरहाल उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि वीडियो की एंड में मैंने आपको बताना है कि कोर्ट फीस कैसे लगाई जाती है। तो कोर्ट फीस का तरीक़ेकार ये कि आप स्टैम्प ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आपको एक चालान मिलेगा, वो चालान आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाएंगे, फिर उसके बुनियाद पर आपको कोर्ट फीस बना के दी जाएगी जो कि आप केस में दाखिल कर केस के साथ लगा के दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में। अच्छा, इसमें जो कोर्ट फीस लगती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की मालियत जो कि 50 लेख्स से अबोव है तो आपकी 15,000 की मुकम्मल कोर्ट फीस लगती है। इसमें शायद कोई कमी पेशी हो सकती है, आपको मैं 100% कंफर्म नहीं बता रहा, प्रोसीजर उसका वही है सेम है, लेकिन फिर भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं वहाँ से स्टैम्प ऑफिस से कि आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है मालियत है वो कितनी है, उसके हिसाब से कितनी कोर्ट फीस लगेगी, ये आपको वहाँ से गाइड कर सकते हैं जो कि स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस के स्टाफ हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद तो मेरा क्लियर है कि आप लोगों की रहनुमाई हो सके, और चूंकि आप लोग एक मुझसे मुतालबा करते हैं कि सिविल केसेस पर मैं कुछ काम करूं और आप लोगों की रहनुमाई हो सके, तो उम्मीद है इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप अपना केस दाखिल कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की क्वेरी वगैरह क्वेश्चन हो सजेशन हो आप देना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, चूँकि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर दिया है 0315-34-111-46। इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता करके और कोई भी किस्म का सवाल वगैरह आप लेना देना कोई सजेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये मेरी ऑफिस एड्रेस है जो कि आप देख सकते हैं कि गुलशन अमीन प्लाज़ा सोहराब रोड के बराबर FP इंडस्ट्रियल एरिया पर है, लकी वन मॉल के पास। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कोई केस करना हो या सजेशन हो या फिर किसी भी किस्म की गाइडेंस मैं आपको कर सकता हूँ विदाउट एनी फी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लीगल एडवाइस दे सकता हूँ कर सकता हूँ ताकि आपकी आसानी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किसी वकील को, तो मुझे अल्लाह ने रिज़्क दिया हुआ है तो मुझे कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी।
दिक्कत नहीं होगी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं कोई सजेशन दे सकूं। तो वीडियो में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।